बताइए किस तरह का गाना है और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं बिल्कुल बताऊंगा सर, ये गाना बहुत प्यारा है, इसका नाम तो है, गाने का नाम तो अभी जाओ, और माशाल्लाह इतना प्यारा गाना है कि मैं क्या बताऊं। और जब ये गाना मैंने पहली बार जब सुना था तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि ऐसे गाने बहुत कम होते हैं सुनने को, और गाने को इतना टेढ़ा गाना है, इन्होंने कंपोज किया है आसिफ भाई और शान भाई। शान भाई ने इतना कंपोज इस गाने को इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह बना दिया ना कि सिंगर गाने से पहले 10 बार तो सोचेगा। तो वही मेरे साथ में हुआ था, तो मैं सोच रहा था यार कैसे गाऊंगा इसको, मतलब बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं ना जिसको हम आधे घंटे में या फिर 15-20 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मुझे लगा भाई आज तो टाइम लगने वाला है क्योंकि गाना बहुत मुश्किल है ना। और तो बहुत ही खूबसूरत गाना है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया और इन्जॉय करके इस गाने को रिकॉर्ड किया। सलमान को मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, जैसे सलमान ने कहा कि थोड़ा सा चैलेंजिंग था गाना, अगर थोड़ा सा बताए और व्हाई सलमान फॉर दिस सॉन्ग? एक्चुअली हमने जो ये गाना जब कंपोज किया जिस समय, तो मेरी मीटिंग के दौरान हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यार कुछ ऐसा गाना, सैडिक गाने की बात है कि थोड़ा सैड मोमेंट का गाना है। तो हमने इससे पहले काफ़ी सिंगर्स को गवाया है, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम से कहीं से ऐसा लगा कि ये सलमान के लिए गाना जा रहा है। और हमने इस्लाम भाई से, अपने प्रोड्यूसर साहब से, तो उनसे चूंकि लिख भी वही रहे हैं, तो उनसे हमने भी सब शान ने डिस्कशन किया यार ये सलमान को आज लेकर आते हैं। लेकिन सलमान की एक चीज़ खासियत ये है, मतलब अभी तक की, कि सलमान जो वर्ड है, ये सलमान तो है, सलमान भाई हैं, सलमान भाई वो भी हैं, मगर सलमान जो है, जो वर्ड है, मैं सलमान इस मेरा एक नया वर्ड देता हूँ, वो ये कि सलमान इज ए इम्प्रोवाइजर। अरे सर क्या बात, सिर्फ इम्प्रोवाइज करना, इस बंदे ने इतना संघर्ष मैंने देखा इनका, खास तौर से जिस समय इंडियन आइडल का जो सबसे पहला ऑडिशन हुआ था, जिस समय से उन्होंने जो एक नोट लगाया था, इतना दिल पर बैठा था नोट, मैं दिल कर रहा था एक दिन मैं जरूर सलमान को भी ऐसे ही नोट लगवाऊंगा। आज आपने वो कर इतना करा है, आपने इतना गाने को इतना इम्प्रोवाइज कर दिया है कि हम आज खुशी से मतलब फूले नहीं समा रहे हैं। और हमारी आप सबसे बस रिक्वेस्ट है कि अभी जिस तरह से प्रमोशन चल रहा है, इसको आप लोग और आगे तक लेके जाओ, क्योंकि प्रमोशन ही आप लोगों का, आप लोग जितना करोगे उतना ही हम लोग के लिए बेटर होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि सलमान ने आज जो आज यहाँ पर जो करा है, ये एक अलग ही तरह की फील देके गया है, इतना कम्फर्टेबल फील किया, मुझे लग ही नहीं था कि मैं सलमान के बगल में बैठा, इतना बड़ा आज की तारीख हमारा भाई एक वर्ल्ड लेवल पे नाम है। मीडिया की वजह से, फैंस की वजह से हूँ, जो भी कुछ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि ये लोग चढ़ाते हैं और ऑडियंस लोग प्यार देते हैं, आप लोग गवाते हो, तो बस तभी हमारा घर चलता है। हाँ। तो बहुत बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच यार, आपने इतना खूबसूरत मुझे गाना दिया, मतलब बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ सभी का। हाँ। इस्लाम भाई इतना खूबसूरत गाना इन्होंने लिखा है, ऐसे ऐसे शब्द है इस गाने में, आप लोग जब सुनेंगे इस गाने को तो आपको लग जाएगा, क्योंकि इस गाने के जो शब्द है, जो बोल है, वो इतने कीमती बोल है ना, मतलब ऐसा लगेगा कि यार आपको या तो गूगल करना पड़ेगा, इतने मुश्किल वर्ड भी है इसमें और ये बेसिकली वही लोग, वो इंसान कर सकता है जो गहरा इंसान हो, ये वही लिख सकता है, वरना आम लोगों की बस की बात नहीं है। सर अगर कुछ बताए, जैसे सलमान ने कहा कि लिरिक्स बहुत ही चैलेंजिंग थे उनके गाने के लिए, लेकिन ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाले, तो कौन इंस्पिरेशन था, कैसे इंस्पिरेशन मिली लिरिक्स के? ये एक लिरिक्स नहीं, ये ग्रेविटी है, और ग्रेविटी हार्ट से फील करती है कि अपनी अपनी तरफ खींच रही है, वर्ड अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपकी वॉइस अपनी तरफ खींच रही है, राइटिंग हमारी तरफ खींच रही है, कंपोजिंग आपकी तरफ खींच रही है, ये ग्रेविटी है, ये सॉन्ग्स नहीं है, ये सॉन्ग्स एक किरदार है, एक स्टोरी है, ये हमारी फिल्म आने वाली जो हौसला है उसमें एक रियल फेस कर रहा है ये। आई थिंक हम चाहेंगे कि ये गाना सिर्फ दुनिया में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना चाहिए, और ये काम आप लोग बखूबी निभा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि भी इनके फ्यूचर में भी इस तरीके से आगे काम बढ़ता रहे। ये हमारी कोशिश थी कुछ बेहतर करने की, और उस कोशिश को कामयाब किया है हमारे ये दो महान हस्तियां बैठी हुई हैं। नहीं महान नहीं भाई, आप लोग, आपका बड़प्पा ने आपने हम लोग को मतलब महान बनने के काबिल बनाया। हमारे शान भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने रात दिन मेहनत करी इस गाने को बनाने के लिए, और आज आपके कृष्णा स्टूडियो में बैठे हुए हैं, भाई ने बहुत मेहनत लगन से इस काम को अंजाम दिया, और प्रफुल्ल साहब ने भी इस गाने में बहुत ताकत लगाई, जो वो कुछ कर सकते थे उन्होंने प्रोग्राम में सब कुछ किया। बींग ए टीम, हम लोग जो है सतलो, हमारी जो टीम है, हमारे साथ में इस टीम में प्रफुल्ल हैं, और प्रफुल्ल ने जो
अच्छा इसमें जो फीडबैक दिया है वो बहुत ज़बरदस्त, ख़ास तौर से फ्लूटिक पार्ट और जो एक ख़ास तौर से स्लाइसर का यूज़ आज भी इस मॉडर्न एज की म्यूज़िक के अंदर, हम लोग नॉर्मल पार्ट से चल रहे हैं, गाना सिंपल चल रहा है, एकदम से स्लाइसर का इफेक्ट्स आया और उस गाने को उसने बूस्टअप कर दिया, तो इट्स कॉल्ड द रियल म्यूज़िक ऑफ द मतलब से मेरा। सो आज हम इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा खुश हैं कि पूरी टीम हमारी, सबसे ज़्यादा हमारे जितने भी लोग हैं, शान भी हमारे कुछ बोलना चाहते हैं। शान भाई क्या कहना चाहेंगे कंपोजिशन के बारे में, अगर कुछ बताएं कैसा कंपोजिशन? देखिए हम लोग या तो हम कुछ सोचें, ये लिरिक्स हमें कुछ ऐसा बोले कि इसको ऐसा बना दो, या एक तस्वीर सामने आ जाए सलमान जैसी, अरे वाह खूबसूरत सी चेहरे वाली कि ऐसा बनाना है कुछ, तो फिर म्यूजिक तो फिर रूदारी वाली बात है। हम लोग भी काफी साल हो गए मतलब क्लासिकल सीखा वेस्टर्न सीखा तब आज ये सब चीज़ें बना पाते हैं, और जब सलमान जैसी आवाज़ मिल जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अरे सर थैंक यू। और जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स इस्लाम भाई ने जो लिखी है बस नहीं अब सब बिल्कुल इंस्पिरेशन देती है हमें कि हम उसको कंपोज कैसे करें। सलमान आप से जानना चाहेंगे, बहुत ही कम चीज़ें हैं जिसमें मतलब आप सिलेक्ट करते हैं, तो ये गाना चुनने के पीछे क्या रीज़न था, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्या खास चीज़ लगी थी इस गाने की? इस गाने को बेसिकली क्या है ना कि जब आपके पास कोई गाना आता है ना तो आप हमेशा सोचते हो कि यार ये गाना करूँ या ना करूँ। मेरे पास बहुत सारे स्क्रैच भी आते हैं कई बार, कैसा ये गाना गा दो, लेकिन मेरा सबसे पहले मेरा यही होता है कि मैं गाना मंगाऊँ कि गाना कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें लगेगा कि गाना अच्छा है हम तभी गा पाएंगे, वरना अगर हमें नहीं पसंद आया तो हम बिल्कुल नहीं गाएंगे। तो जब भी मेरे पास गाना आया तो मैं सुन रहा था, इसमें क्या है, इसमें एक तो नोट बहुत चेंज होते हैं, स्केल बेसिकली जिसको बोलते हैं, स्केल बहुत चेंज होते हैं, जो कि अपने आप में मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं ऐसे चैलेंज बड़े बड़े शौक से लेता हूँ, है ना, और ऐसे गाने में बहुत इन्जॉय करके गाता हूँ। तो एक इसमें रूदारी बहुत है, इसमें हाई भी बहुत है। अब आपको बताया कि हाई रेंज तो मैं कर लेता हूँ, है ना, तो ये गाना हाई में हाई रेंज भी बहुत अच्छा था, इसमें हाई नोट इसमें बहुत कमाल के लग रहे थे। तो एक मेरे को तब पसंद आया कि यार चलो अब तो भाई गाना ही बढ़ेगा। तो रूदारी, नोट चेंज होना और लिरिक्स, मेन चीज़ आपकी लिरिक्स भी होती है, जो कि इस्लाम भाई ने बहुत खूबसूरत लगाया इस गाने को। अगर आपके जहन में पहली बार ही बैठ जाता है तो समझो वो गाना बहुत हिट होने वाला है इंशाल्लाह। ज़रूर। तो ये ऐसे ही मेरे दिमाग में बैठ गया था, कह रहे वाह इसको तो चाहे लिरिक्स पढ़ के गाओ या ऐसे गा दूँ, लेकिन अच्छा है गाना। इस गाने में जो आपने जो सी नोट लगाया ना, मतलब हारमोनियम को हम लोग बोलते थे हारमोनियम यार, हारमोनियम का थर्ड ऑक्टेव के बाद भी जगह होगी तो क्या अब पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि अब हमारे बीच में सलमान आ चुका है, तो सी नोट भी लगाया और सी शार्प नोट भी लगा दिया, मतलब थर्ड ऑक्टेव के भी ऊपर, मतलब जो आदमी एकदम यार हारमोनियम के पार है ना, पहले तो ऐसी मजाक में यार हारमोनियम के सुर पार कर गया, लेकिन आज रियलिटी हम आज फख्र से बोल सकते हैं वेरी प्राउड सलमान, क्योंकि वाकई सी शार्प का नोट उन्होंने लगा दिया, और जितने आसानी से लगाया मैं तो समझ डी भी लग जाएगा और डी शार्प भी लगा देंगे, मतलब जो बचा है जितने नोट वो भी सब इन्होंने ऑलरेडी पी रखे हैं। शालू हमारे बीच में कुछ बोलेंगे, हमारे अभी भांजे हैं, बहुत मेहनत की है और आप लोगों से बस प्यार की दरख्वास्त, बिल्कुल सही बात है। आज अपने एक साथी को और मिस कर रहे हैं, आसिफ को, वो भी हमारा जो हमारा भाई है शान आसिफ राज हैं, शान और आसिफ और राज, तो आज थोड़ा सा आसिफ की भी छोटी सी कमी लग रही है, वो भी साथ में होता तो आपको और थोड़ा सा आज दुगड़ी है तिगड़ी नहीं है दिगड़ी नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस तरह की इस फिल्म में, यानी कि आपको ये एक इस फिल्म में, इस हौसला फिल्म में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, देखने को मिलेगा कि जिसमें आप रियलिटी के बिल्कुल नज़दीक आके आप लोग सोचते हो कि ये जो सामने हो रहा है, जो हालात हो रहे हैं, वो सारे हालातों को आप एक बार फिर से उसको जब आपके सामने जब फिल्म मूवी आएगी तो आप वो सब चीज़ें देखोगे आपको, जो मुंबई के अंदर ड्यूरिंग आपको जब स्ट्रगल चल रहा होता है आपका, वो आपके आसपास की चीज़ दिखाई पड़ेगी। हमारे इस्लाम भाई ने इसको बहुत ही अच्छी संजीदगी के साथ में स्टोरी का, और हमारे जो स्टार कास्ट है उनमें भी हम लोग ज़रा सा स्टार कास्ट के बारे में सर बताइए। स्टार कास्ट के बारे में हमारी जो एक सोच है इस फिल्म को लेकर के, क्योंकि ये फिल्म एक टू बॉडीज़ पर डिपेंड करती है, एक स्ट्रक्चर वो है कि जहाँ पर लोगों ने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, और सेकंड स्ट्रक्चर वो है कि जहाँ पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके दोनों के बीच में अभी तक क्या होता था, मिसअंडरस्टैंडिंग प्लस मिसबिहेव हुआ करते थे। आज उन चीज़ों को मैंने ला करके एक बड़ी पोलाइटली तरीके से ओपन किया है
कि नहीं, अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं. हमारी सोच कहीं पर रुकना नहीं चाहिए. और आई थिंक मैं जो बिलीव करता हूँ कि जहाँ पर सोच रुक जाए, मुझे शुरुआत अपनी वहाँ से करनी चाहिए. क्या बात, क्योंकि ये हौसला हमारा नहीं, ये हौसला हम सबका है. क्या बात है. सो सलमान यहाँ पर है, तो अगर सर गाने की दो लाइनें अगर गुनगुना दे, ये गाने की पॉसिबल होगी अगर मैं. सर मैं तो चाहता हूँ कि सरप्राइज होना चाहिए लोगों के लिए. अगर सुना देंगे तो सर फिर मज़ा नहीं आएगा ना. गुड. क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर इसके एक बोल भी सुना दिया ना तो फिर सरप्राइज खत्म हो जाएगा. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके बोल बहुत कीमती है, इसका सुर बहुत कीमती है. तो मैं चाहता हूँ कि जिस दिन ये गाना आएगा, आप लोग इस गाने को ढेर सारा प्यार दो. आपने भी क्वेश्चन पुट अप किया था कि इसका स्टार कास्ट, बात अधूरी रह गई. मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो हमारी सोच है हौसला के अकॉर्डिंग, वो सोच है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, नाना साहब, रेखा जी, रवि किशन जी, सपना जी, क्योंकि इसमें ऐसे करैक्टर हैं. अन्य और बड़े अभी लीड कास्ट मैंने आपको बताया नहीं, जो वो जो स्ट्रगल की लाइफ में आ रहे हैं. मैंने अभी वो कास्ट बताई है कि जो स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुकी है. आई थिंक अभी कुछ चीज़ें मैंने सीक्रेट रखी है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग और हिंदुस्तान की आवाम की सिर्फ आशीर्वाद दुआओं की ज़रूरत है. बहुत मज़ा आएगा इन सभी गानों को सुनने में और स्टोरी को देखने में. इंशाल्लाह. थैंक यू. ऑन द बिहाफ ऑफ